No God. Sir, इस मोरपंख के अलावा मुझे खिड़की के बाहर एक बॉटल भी मिली। Interesting. Felbatol. Felbatol, felbumate, used for epileptic disorders. मिर्गी की दवा है। और अगर ये दवा की शीशी MLA शिंदे के घर के बाहर मिली है, तो ये जरूरी है कि उसके स्टाफ में से किसी को मिर्गी की बीमारी हो। अगर नहीं, तो बहुत दिलचस्प बात होगी, पता लगा। राइट। और इस दवा को बनाने वाली कंपनी से भी संपर्क कर। हो सकता है इसके सीरियल नंबर, बैच नंबर से हमें खरीदार का पता चल जाए। राइट। तब तक मैं इस मोर पंख के रहस्य के बारे में छानबीन करता हूं। हाँ साहब, बिल्कुल ऐसे ही मोर का पंख था। अगर आपको एमएलए के बंगले के बाहर मिला, तो सचमुच भगवान वहां पे आए थे। बबन, अगर एक मोर पंख मिलने से ये साबित हो जाता कि भगवान वहां थे, तो फिर बातें क्या होती? ये बताओ कि उनका मोर पंख अगर हम सबको नजर आ रहा है, तो भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जाने दो, एक प्रश्न पूछना था तुमसे। जब तुम उस जगह गए MLA शिंदे से मिले, वहां तुमने कोई ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था? नहीं सर। पर जब नौकर के चिल्लाने पर तुम MLA शिंदे के शयन कक्ष में गए, अपना झोला साथ लेकर गए थे? नहीं सर, झोले को तो मैंने हॉल में ही छोड़ दिया था। फिर तो यह पूरी तरह संभव है कि किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए खून से सने हुए नोट तुम्हारे झोले में डाले। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि तुम्हारी उंगलियों के निशान उन नोटों पर और उस गमले पर कैसे आए? चला गया है वो। भगवान, सब मुझे पागल कहते हैं। कहते कि मैं तुम्हें नशे में देख रहा हूं, और तुम हो ही नहीं। पर भगवान देखो ना, अभी मैं नशे में नहीं हूं। सबको बता दो ना सच्चाई क्या है। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि MLA शिंदे को मैंने मारा था? यदि ऐसा लगता भी है तो बब्बन, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उस दिन उसके कमरे में जो आखिरी गया था वो मैं ही तो था। और फिर अचानक मेरा गायब हो जाना, संदेह तो बनता है मुझ पर। भगवान, तुम मनुष्य को जान देते हो, तो जान लेने का हक भी तो तुम्ही को है। और यही तो किया मेरे बीवी बच्चों के साथ। भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा लो, वरना तुम्हारे लिए मेरे मन में जो भी श्रद्धा जगी है वो सब खत्म हो जाएगी। अब यदि ऐसा है तो मैं कल अदालत में आकर सब कुछ सच सच बता दूंगा कि उस रात क्या हुआ था। भगवान, तुम अदालत में आओगे? हाँ, और इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि वो हत्या किसने की है। हाँ, तुम तो अंतर्यामी हो। बोलो बोलो, कितने बजे आना है? सुनवाई 2 बजे है। तुम भगवान 2:15 बजे आ जाना, बाकी मैं सबको होल्ड पे रखता हूँ। ठीक है, मैं ठीक 2:15 बजे आ जाऊंगा। प्लीज आ जाना, टांग मत दे देना भगवान। पक्का आओगे ना? प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, जाने दीजिए ना। देखिए, मैंने आपकी सारी बात मान लिया ना, प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना।
प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज। ये आपकी गाड़ी के बोनट के ऊपर रखी थी। सर ऑनर। केडी साहब जी, टेंशन मत लीजिए, आज सब सही हो जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। क्यों भाई, इकबाल जुर्म करने वाले हो? अरे नहीं, आज वो आने वाले हैं। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। सवा दो बजे मैंने उनको बोला, इसलिए वो आ रहे हैं। और तो और वो ये भी बता देंगे कि खून किसने किया है। ओ ऐसे ही पाठक सर, मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर कोई नया प्रोफेशन चुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर अब भगवान ही केस सॉल्व करेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में है। भगवान आने वाला है योर ऑनर, भगवान। तो आरती की तैयारी करो पुजारी जी, आप वो पूजा की थाली वगैरह तैयार करो। और मेरा एक सजेशन है योर ऑनर, क्यों ना हम सब अपने जूते बाहर छोड़ाएं कोर्ट रूम के, क्योंकि न्याय का मंदिर अब भगवान का मंदिर बनने वाला है। मिस्टर जायसवाल, दिस इज नॉट ए जोक। सर ये बात आप केडी साहब से, केडी साहब के मौकल से क्यों नहीं कहते? मिस्टर जायसवाल, केडी साहब बोलने दीजिए, एक बार भगवान आ जाएंगे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अपनी अदालत है, यहाँ केवल न्याय की देवी होती है, वो भी मूर्ति रूप में। भगवान यहाँ नहीं आते। नहीं साहब, आएंगे 100% वो आएंगे। वो कोई इंसान नहीं है जो वादा देकर मुकर जाते हैं, वो भगवान है, देख लेना। जस साहब, आपसे मेरी विनती है, 2:15 बजने में 5 मिनट बाकी है, प्लीज भगवान का वेट करिए ना। देखिए मिस्टर बबन, ये अदालत है और योर ऑनर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बब्बन इतने दावे से कह रहा है और दुनिया का सबसे अद्भुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है, तो क्यों ना हम सब इस बात को विटनेस करें। मुझे कोई एतराज नहीं है, 5 मिनट तो वेट करना है, एंड आई एम श्योर सब आपको भी एतराज नहीं होगा, आपका तो काम आसान हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन। मिस्टर जायसवाल, मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस होती कि हमें ऐसी बातों पे। साहब बस 2 मिनट, सामने वाले कटघरे में सब लोग देखिए। बीस हो गए, 5 मिनट ऊपर हो गए, भगवान ट्रैफिक, ये ट्रैफिक है ना। नहीं लेकिन कैसे हो सकता है, भगवान तो पुष्पक विमान में आते हैं, ऊपर एयर ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नहीं मिस्टर जायसवाल, विल यू प्लीज, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि अदालत का और वक्त जाया हो तो केस को आगे बढ़ाए। जैसा बस 2 मिनट और दीजिए। बबन कोई नहीं आने वाला, यहाँ सपना आया होगा तुम्हें। सपनों की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में वापस आओ बब्बन, और हकीकत यही है कि तुम कातिल हो, तुमने ही खून किया है, और मरने के बाद उसी भगवान को जवाब देना होगा तुम्हें। सही बोला आपने, मैं अब जवाब दूंगा, उसी भगवान को जवाब दूंगा जिसने एक बार आशा देकर मुझे फिर से निराश किया है। छोड़ूंगा नहीं भगवान को मैं। बब्बन मैंने शिंदे का खून, मैंने शिंदे का खून। हाथों से गमला उठाकर उसके सिर पर दे मार, बट मैं रुपए लेके भागने वाला था। बबन ये क्या कह रहे हो, ताकि मुझे सजा हो सके। जैसा आपसे मेरी एक विनती है, मुझे आज ही फांसी पर लटका दो,
चाहा कि मैं सीधे भगवान के पास जाऊं और मेरा भगवान से आमना सामना हो, फिर मैं जवाब दूंगा, मेरी अदालत और उसका केस। कोई न्याय नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं आप दोनों? कि आप दोनों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बंसरी भगवान श्री कृष्ण जी की है? 50 रुपए में मिलती है जो बीच पर। कोई खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ। पर क्यों सर, क्या मिलेगा किसी को ऐसा करके? वरुण, यही तो पता लगाना है। तू बता, वो फेल्बोटॉल बनाने वाली कंपनी के साथ संपर्क हुआ? हाँ सर, वो बॉटल यवतमाल गांव के किसी केमिस्ट के कंसाइनमेंट में दर्ज है, उसी ने से ऑर्डर किया था। यवतमाल? यवतमाल तो महाराष्ट्र का उत्तरी जिला है, वहां से भला इतनी दूर कोई एमएलए शिंदे से मिलने क्यों आया होगा? यवतमाल की टिकट कटवा ले वरुण। राइट सर। पैसा ट्रांसफर हुआ? शाम तक हो जाना चाहिए, वरना अगली लाश तेरी होगी, समझा? जयसवाल, जिस दिन ये निशाना तेरा ठीक से लग गया ना, उस दिन तू अदालत में केस भी जीत गया केडी से। बोलिए केशव जी। जयसवाल जी, अब इस केस को लंबा मत खिंचने दीजिए, वरना ये अदालत बब्बन को मानसिक रोगी करार देके सजा की जगह अस्पताल भेज देगी। निशाना बस लगने ही वाला है, अगली हियरिंग में बब्बन राव को फांसी की सजा हो जाएगी केशव जी, ट्रस्ट में। अब जो ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसके पैसे से वो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है पुणे में, वो क्या रॉ हाउसेस वगैरह, कौन सा एरिया है वो? कोरेगांव पार्क। राइट। क्या रेट, क्या है मार्केट रेट वहाँ का? करीबन 25,000 रुपये स्क्वायर फीट। 25,000? ज़्यादा भाव होता तो मैं डिस्काउंट भी मांग लेता आपसे, इसमें क्या डिस्काउंट मांगू मैं। दो रो हाउसेज मेरे नाम पे बुक करवा दीजिएगा, मैं चेक भिजवा दूंगा, और अगर आपका मन करे तो डिस्काउंट देना, वरना वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, यहाँ आप केस जीते वहाँ प्रीमियम रेट पे आपका फ्लैट पक्का। केशव जी, वकील के साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए, वकालत की बातें कीजिए, मैं भगवान से भी लड़ लूँगा। बाय कृष्ण भगवान। कल अदालत में आकर सब कुछ सच बता दूंगा। क्यों क्या हुआ था? और इतना ही नहीं, ये भी बताऊंगा कि वो हत्या किसने की है। तुम अब तुम क्या यहाँ लेने आए हो? जब आना था तब तो नहीं आए, अब क्या लेने आए हो? मेरी हालत पर हंसने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाओ, तुम भगवान नहीं हो, चले जाओ। अरे
कोई है? ले जाओ इन्हें, बताओ मुझे, कोई है इन्हें लेके जाओ। बबन भाव, क्या हुआ? ले जाओ इन्हें। कोई नहीं वहाँ पर। अरे ये खड़े, अरे मुझे क्या दिख रहा है ये? मैं पागल हो जाऊँगा। क्या हुआ बबन भाव? कैसी है इसकी तबीयत अब? दिमागी तनाव बढ़ता जा रहा है। मैंने कुछ खास साइकेट्रिस्ट को बुलाया है इनके चेकअप के लिए। मुझे पता लगाइए कि इसके दिमाग में ऐसी क्या खराबी है जिसकी वजह से सिर्फ इसे ही भगवान दिखाई देते हैं। जी भगवान दिमाग से नहीं दिल से देखे जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। मुझे बबन की बातों पे पूरा विश्वास है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का धरती पे आना कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान पापियों का सर्वनाश करने के लिए इस धरती पे आते रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब बबन निर्दोष है। एमएलए शिंदे पापी था। ये जो कुछ भी हुआ यह ईश्वर का इंसाफ है और उसी का प्रकोप है। ये मैं क्या देख रहा हूं? आई एम जयसवाल साहब स्वयं। धन्य भाग हमारे जो जयसवाल साहब बता रहे बैठिए। थैंक यू। लेकिन मैं भी इसी तरह चौंक गया था केडी जब मेरे घर पे भी कोई पधारा था। कौन पधारा? कृष्ण भगवान। I'm serious। मैंने देखा मेरे घर में, आई मीन घर के बाहर वही अंग वस्त्र खेस मुकुट मोरपंख बांसुरी। मैं गया बाहर ढूंढने के लिए तो मुझे ये मिला। ये ऐसा ही मेरे पास भी है। ये देखिए ये बांसुरी, ये मोरपंख। मतलब ये यहाँ पर भी कृष्ण भगवान? फंस जाऊंगा यार। किड़ी अगर 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 वो बबन की बात सही निकली तो नहीं क्या है? मैंने तो उसका भी मजाक उड़ाया और उसके भगवान का भी मजाक उड़ाया। मतलब सीधा कृष्ण भगवान के साथ हाई कमीशन के साथ पंगा। मैं नरक में जाऊंगा यार। तुम समझ रहे हो ना मेरी सिचुएशन? समझ रहे हो जयसवाल साहब? मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूँ पर आप सिचुएशन को नहीं समझ रहे। अब बिना साधना किए यूं ही भगवान श्री कृष्ण लोगों को दर्शन देते फिरेंगे? नहीं। कोई है जो हमारे मन में ये विचार डालने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण? जी जज साहब। क्या? जी 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 बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। क्या हुआ? उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। बोल रहा हूँ केडी, मैं बोल रहा हूँ तुम मान नहीं रहे। देखिए जयसवाल साहब, कोई है जो इस केस से जुड़े हर व्यक्ति को यह आभास दिलाने का प्रयत्न कर रहा है कि बब्बन का भ्रम भ्रम नहीं सच्चाई है, किंतु ऐसा है नहीं। तुम सही हो केडी। बब्बन शिवालकर का 3 साइकेट्रिस्ट ने एग्जामिन किया। सबका कहना है कि उसको भगवान का दिखना सिर्फ एक वहम है। ये रही उसकी रिपोर्ट। जैसा कि मैंने सोचा था, भगवान श्री कृष्ण के लिए उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि उसे भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु ऐसा है नहीं। ये सब भ्रम है, केमिकल इंबैलेंस। मिंटू से जैसे मुन्ना भाई में संजय दत्त को गांधी जी दिखते थे, वैसे यहाँ पे बब्बन को केमिकल लोचा। जी। पर इस केमिकल लोचे को तो मैं समझ रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण का रूप बनाए घूम रहा है। वो क्या लोचा है वो लोचा समझना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी,
ये फेलबिटोल आप ही की दुकान से किसी ने खरीदा था पिछले महीने। हाँ, ये दवा तो मेरी दुकान से खरीदी गई है। इस दवा की मैंने 3 शीशी ऑर्डर की थी, वो भी 3 अलग अलग पेशेंट्स के लिए। और ये दवा मैंने किसको दी ये तो बतावाना मुश्किल है थोड़ा। क्या आप उन 3 मरीजों के नाम दे सकते हैं मुझे? हाँ दे सकता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हेलो, यह वह तो माल चौक तक आ चुका है, उड़ा दूँ क्या? लेकिन मैंने 2 को रूल आउट कर दिया क्योंकि वो कभी मुंबई गए नहीं। बस अब एक तीसरा बचा है, संग्राम सालवे। तो फिर वही होगा भाई। पता लगा कि संग्राम सालवे उतनी दूर से यहाँ एमएलए शिंदे के घर क्या करने आया था। जी सर। हाँ शिवाली बोलो। हाँ मैं यवतमाल पहुंच गया। क्या तुम अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड फिर भूल गए? Hey, this is not fair, huh? तुम भूली तो कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं भूला तो? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ दबे। हाँ केडी। मैं तुझे एक बांसुरी भेज रहा हूँ। बांसुरी? लेकिन यार मुझे बांसुरी बजाना नहीं आता। तो यार दबे तू कौन सी पुलिस अकेडमी में गया था? पूरी बात तो सुन ले। मुझे किसी ने एक बांसुरी भेजी है। अब अक्सर जब हम बांसुरी बजाते हैं तो हमारे होंठों से थूक बांसुरी पर आ गिरती है। मैं चाहता हूं कि तू इस बांसुरी का इस पर लगे थूक का डीएनए टेस्ट करवाए और जो नाम की लिस्ट मैंने तुझे भेजी थी जिन व्यक्तियों पर मुझे संदेह है उन नामों के साथ मैच करे। पता लगाते हैं कि ये किशन कन्हैया है कौन। हाँ ठीक है। थैंक यू। पुजारी गौरी शंकर, ये कृष्ण कन्हैया बने क्यों घूम रहे? जी वो इस बबन के लिए, मैंने इसके दुख दर्द को बहुत ही करीब से देखा है। इसे एक आस्तिक से नास्तिक बनते हुए देखा है मैंने। जज साहब, जब इसने आप लोगों के सामने भगवान वाली बात कही तो मैंने सोचा कि मैं खुद भगवान जी का रूप धारण करूंगा। वो मोरपंख, वो बांसुरी मैंने ही उन जगहों पे छोड़ी थी। वो इसलिए कि ये बबन जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि वास्तव में सचमुच भगवान जी हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे थे आप? क्या होता है ऐसा करके? वो ये कि अदालत की आंखों में बबन निर्दोष साबित हो जाए और बच जाए। अच्छा साहब, मैंने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ इस बबन के बचाव के लिए किया। अगर इसमें मेरी कोई त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। कैसे क्षमा करें आपको है? बताएं आपकी इस करतूत की वजह से हम सब कितने घबरा गए थे। नहीं नहीं जसवाल साहब, हम सब नहीं, सिर्फ आप। ओनली यू। व्हाटएवर इमैच्योर चाइल्डिश बिहेवियर पंडित जी, तो मैं बाद में देख लूं। योर ऑनर, योर ऑनर, ये केस अब बहते पानी की तरह सर के ऊपर जा चुका है।
पंडित जी की यह करतूत और बब्बन के मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर है कि बब्बन के सामने जो कृष्ण भगवान प्रकट होते थे वो दरअसल एक हेलुसिनेशन था, हकीकत नहीं। हकीकत तो ये है कि उस रात एमएलए के फार्म हाउस में बब्बन गया था और उसी ने खून किया है। हाँ, मैंने मारा है शिंदे को। योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि मेरा मुवक्किल इस अदालत में एक बाले जुर्म कर चुका है। आप इस केस में कोई निर्णय तक पहुँचे उससे पहले मैं बस 24 घंटे की मोहलत चाहता हूँ। क्यों, एक दिन में क्या कर लोगे तुम? मिस्टर पाठक, मैं इस केस को और नहीं टाल सकता। सारे सबूत तुम्हारे मुवक्किल के खिलाफ हैं। आई हैव टू पास जजमेंट। योर ऑनर, मैं इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ बस थोड़े से समय में ही मुझे असल हत्यारे का पता चल जाएगा। निर्णय में थोड़ा सा विलंब करके अगर हम एक निर्दोष को दंड देने के अन्याय से बच सकते हैं तो क्यों नहीं। ऑलराइट, ठीक है मिस्टर पाठक, मैं आपको एक दिन की मोहलत देता हूं, सिर्फ एक दिन। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सालवे को ढूंढना बंद कर दो। क्यों, तेरे रिश्ते में है क्या वो? चुप, बोल दे केडी को इस केस को छोड़ दे वरना तेरे बाद वो भी मरेगा। केडी पाठक, तुम जैसे लोगों की परवाह नहीं करता। तेरे मरने के बाद तो मरने के बाद परवाह करेगा ना केडी, मरवा करेगा ना। पैसे ट्रांसफर हो गए? ठीक है, मैं चेक करता हूं। तुझे तो मैं आने के बाद देखता हूं। केडी, में वरुण को ढूंढने के लिए यवतमाल की पुलिस को बोलता हूं, साथ ही साथ उन्हें संग्राम सालवे का पता लगाने को भी बोल, और बोल कि जल्दी करें, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है। कल ले कोशिश कर ले, मेरा बांधावा कभी ना खुलेगा। ठीक है, तू फौरन वापस आ, मैं दवे को बोलता हूँ उस जगह पुलिस भेजे। गधे हो तुम लोग, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। फौरन ये जगह खाली करो इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे। मुझे भी शाम तक निकलना है, चलो। पता नहीं कौन जानवर लोग थे, इतनी बुरी तरह से उस आदमी ने मेरा हाथ काटा। दवे ने संग्राम सालवे के बारे में पता लगाया क्या? सो कौन है वो? यवतमाल का ही एक किसान है, पिछले दो हफ्तों से लापता है। लापता? कहीं से कोई पता नहीं चल रहा उसका। मैंने उसकी डिटेल्स मंगवाई है। थैंक्स सर।
हाँ दबी बोल। केडी, मैं तुम्हें संग्राम सालवे की फोटो फैक्स कर रहा हूँ, उस फोटो को देखकर तुम दंग रह जाओगे। सो ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। ये तो एमएलए शिंदे की तस्वीर है। जी नहीं अरुण, ये तस्वीर एमएलए शिंदे की नहीं, यवतमाल के एक किसान की है, संग्राम सालवे, जिसका कुछ समय पहले ही अपहरण किया गया। अपहरण किसने किया? आपके प्रश्न का उत्तर योर ऑनर, कल के समाचार पत्र में छपा था, जहां करजत में हुए हजारों एकड़ की लैंड स्कैम का आरोप जो एमएलए शिंदे पर लगा था, वो आरोप साबित हो चुका है योर ऑनर। योर ऑनर, एमएलए शिंदे को भनक पड़ गई थी कि सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो की जकड़ जो उन पर थी वो मजबूत होती जा रही थी, और किसी भी समय उन पर लगा यह आरोप साबित होने वाला था। ऐसा होता तो उनका पॉलिटिकल करियर, उनकी संपत्ति, उनकी पदवी सब नष्ट, बचता तो केवल वर्षों तक अदालत में मुकदमे और अंत में जेल यात्रा। यार ये मोहिते कायदेरी कर रहे, रोक उनको, नहीं तो बैंड बच जाएगा अपना बैंड। अरे पैसा बढ़ा दे, पैसा 2 की जगह 7 करोड़ देने को तैयार है। अरे 7 क्या 10 करोड़ देने को तैयार है, मगर रोक उनको मोहित, कायदेरी कर। इन सब से बचने के लिए उन्होंने बड़ी निराली एक योजना बनाई। कुछ समय पहले जब वो यवतमाल गए थे एक रैली में, वहाँ उनकी भेंट उन्हीं के डुप्लीकेट, उनके समरूप के साथ हुई, संग्राम सालवे। 2 हफ्ते पहले संग्राम सालवे का अपहरण हुआ और उन्हें मार दिया गया। घटना के दिन योर ऑनर, एमएलए शिंदे ने बब्बन राव को अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर बुलाया, स्वयं शयन कक्ष में गए और शयन कक्ष की खिड़की से कूद कर भाग गए। उनके आदमी संग्राम सालवे का मृत शरीर अंदर लेकर आए और उसके सर पर ये गमला दे मारा, ताकि पुलिस को शव पहचानने में और भी कठिनाई हो, और फिर उस हत्या का आरोप बेचारे बब्बन राव के सर मंड दिया। इनकी रोज की धमकियों, गालियों से छुटकारा, कानून से छुटकारा, सरकार से छुटकारा, अपने एंटे हुए हजारों करोड़ के साथ चैन का जीवन। पुणे एयरपोर्ट लेना जल्दी। नहीं मानता योर ऑनर, नहीं, मैं इस कहानी को नहीं मानता, क्योंकि मेरा यह मानना है कि वो लाश एमएलए शिंदे की ही थी। क्या फॉरेंसिक ने उस लाश की शिनाख्त नहीं की? शिनाख्त करने की जरूरत ही नहीं है योर ऑनर, क्योंकि वो जो खून लगा है नोटों पर वो एमएलए शिंदे का ही है। तो जयसवाल साहब ठीक कह रहे हैं योर ऑनर, वो लहू एमएलए शिंदे का ही था, जो बड़ी चालाकी से उन्होंने उन नोटों पर लगाया था, ताकि सबको लगे, पुलिस को लगे, कानून को लगे कि वो शव उन्हीं का है। फिर अपने आदमियों द्वारा जोर डलवा कर उस शव का क्रियाकर्म करवा दिया गया, ताकि पुलिस के हाथों से वो अंतिम साक्ष्य भी छूट जाए। अच्छा मोड़ लेके आए आप कहानी में, कैसे साबित करेंगे आप पाठक साहब? है कोई सबूत है आपके पास? सबूत योर ऑनर है, एमएलए शिंदे के इर्द गिर्द रहने वाले उसके अपने लोग, सर्वप्रथम उनमें से उनके पीए। आओ केडी साहब, मला का चलो बोला बोला, मैंने क्या किया? आपने मोहिते साहब, एमएलए शिंदे साहब ने ये जो षड्यंत्र रचा था उसमें आपने उनकी सहायता की है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। आओ, ये खोटा है यार, आप साबित करो मैंने क्या किया। इसमें साबित क्या करना है, आप ही के मोबाइल फोन से कुछ समय पहले कई कॉल किए थे आपने यवतमाल अपने आदमियों को, जिन आदमियों ने फिर संग्राम सालवे का अपहरण किया। उसके बाद आप ही के मोबाइल फोन से ब्रीच कैंडी के डॉक्टर कपाड़िया को फोन कॉल्स किए गए थे। डॉक्टर कपाड़िया योर ऑनर एक प्लास्टिक सर्जन है,
अद्भुत बात यह है योर ऑनर के पिछले 10 दिनों से डॉक्टर कपाड़िया भी लापता है। जिन्होंने एमएलए शिंदे के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें एक नई पहचान दी। ठीक है, मैं तैयार हूं। दी ना? नहीं हो। ही होगी, तभी तो आपने करोड़ों रुपयों का ट्रांसफर किया एक स्विस बैंक अकाउंट में। क्या नाम था? दिगेश शाह, इसी नाम पर था वो अकाउंट। कौन है कृपया कर बताइए अदालत को, दिगेश शाह कौन है? हेलो मिस्टर जॉनसन, यस आई विल बी अराइविंग टुनाइट टू सिडनी। नो, मेरा नाम कुराना नहीं, अब मैं दिगेश शाह हूँ। काय पण बोलता तुम्ही केडी साहब? अरे शिंदे भाऊ मर चुके हैं। एमएलए शिंदे जीवित है योर ऑनर, इसीलिए बब्बन राव शिवलकर पर लगाया गया यह आरोप इसका कोई अर्थ नहीं होता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब गवाह पे ये दबाव डाल रहे हैं और साबित करना चाहते हैं कि केस गलत है, झूठा है, लेकिन पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा पाठक साहब कि एमएलए साहब जिंदा है, तब तक ये केस रद्द नहीं किया जा सकता। यस केडी, तुम्हें ये साबित करना होगा कि एमएलए शिंदे आज भी जिंदा है। ऑफ कोर्स योर ऑनर, ऐसा करने के लिए मैं अपने सहायक वरुण को आपके सामने बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, इस केस की जांच पड़ताल के लिए मैंने अपने सहायक वरुण को यवतमाल भेजा था, जहां इनका अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं में से एक अपहरणकर्ता ने इसके हाथ को काट लिया। इसकी जांच मैंने एमएलए शिंदे के डेंटिस्ट डॉक्टर मुनीम से करवाई। मैं चाहता हूं कि आगे की कहानी डॉक्टर मुनीम स्वयं कटघरे में आकर सुनाए। योर ऑनर, मेरे पास एमएलए शिंदे के डेंचर्स के सैंपल्स हैं। जब मैंने उनके दांतों के आकार की वरुण के हाथ पे लगे निशानों से तुलना की तो मैं दंग रह गया। वरुण के हाथों पे जो काटने के निशान हैं वो एमएलए शिंदे के ही हैं। डॉक्टर मुनीम, आप इतने विश्वास से क्यों कह रहे हैं कि वो काटे के निशान ना एमएलए शिंदे के ही हैं? ये क्यों किसी और के नहीं हो सकते? कृपया कर अदालत को समझाइए। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट्स की तरह कोई भी दो इंसानों के दांतों के आकार एक समान नहीं हो सकते, बल्कि ये नामुमकिन है। पर उनके हाथों पर जो काटने के निशान हैं वो एमएलए शिंदे के ही हैं। एमएलए शिंदे जिंदा है। चित्र बात है, एमएलए शिंदे जीवित है लेकिन आप मारे गए। मोहित साहब, हो एमएलए साहब जिंदा है। वो बबन को उन्होंने मदद करने के लिए नहीं, वो फंसाने के लिए बुलाया। सुबह में हम लोगों ने शिंदे साहब की गाड़ी पर वो ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाया था, तो जब बबन ने उसको छुआ तो हम लोगों को उसका फिंगरप्रिंट मिल गया। फिर हम लोगों ने रात को वही फिंगरप्रिंट का हम लोगों ने लेटेक्स ग्लव बनाया और वो गमेले के ऊपर लगा दिया, तो सब लोगों को यही लगेगा ना कि वो उसने मारा है, तो ऐसे फंसा हम लोगों ने उसको। फिर तो स्पष्ट है कि लहू से सने वो रुपए बब्बन की झोली में आप ही ने रखे होंगे। हो, मीच टाकला होता वो। जब ही बब्बन साहब के कमरे में गया तब
उसके बाद आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। वो डॉक्टर कपाड़िया को भी शिंदे साहब ने मुझे साहब ये बता दीजिए बिना समय व्यर्थ किए हुए कि इस समय एमएलए शिंदे कहाँ है। वो एमएलए साहब अभी पुणे एयरपोर्ट पे है, वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हमेशा के लिए। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत इंस्पेक्टर दवे को एमएलए शिंदे को गिरफ्तार करने का आदेश दें। इंस्पेक्टर दवे, एमएलए शिंदे को फौरन गिरफ्तार किया जाए। ये अदालत संग्राम सालवे और डॉक्टर कपाड़िया के कत्ल के इल्जाम में एमएलए शिंदे और राजेंद्र मोहिते को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और साथ ही एमएलए शिंदे पर अपने ही झूठे हत्याकांड के सिलसिले में केस दर्ज करने को भी कहती है। यह अदालत बबन शिवलकर को तमाम इल्जामात से बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। फाड़क साहब, क्या है जयसवाल साहब, आप केस जीत गए। आई एम वेरी हैप्पी। रियली? पता है क्यों? क्यों? वो मैंने भगवान को आरोपी बता दिया था, भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए थे, मैं डर गया था कहीं मुझे नरक में ना जाना पड़े, लेकिन आपने बब्बन के साथ साथ भगवान को भी निर्दोष साबित कर दिया। ग्रेट। जयसवाल साहब, लोग शैतान से डरते हैं, आप भगवान से डरते हैं। नहीं नहीं, भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मुझसे डरो मत, प्रेम करो, चाहिए मंदिर वंदिर हो आई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये कहां से आया? शायद उनका संकेत है, कह रहे हैं कि भले मैं दिखता नहीं पर मैं हूं।